इजेशन आई नेम ऑफ बी Change और उसके अंदर डिफरेंट projects हमारे चल रहे होते हैं मेरा स्लोगन भी है कि छोड़ भी काम सीख जिंदगी में हर दिन का एक गोल बना लें कि कोई ना कोई एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है जब आपको कोई हेल्प के लिए पुकारेगा तो आप कहेंगे यार तो बहुत सारी खातीन जो कि मैरिड है जिनके केसेस तो में मेरे पास आते हैं कि वो मार्केट गई हैं बच्चे ने आइसक्रीम की फरमाइश की है तो मियाँ की तरफ देखेंगी शिक्षम शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शमा जलाते जाते हैं। तो हमारे हिस्से की एक क्षमा थी छोटी सी हमने कोशिश की कॉन्टेंट क्रिएशन में कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो एसेंशियल है की आप सक्सेसफुल हो सकते हैं आप छोटे से कैमरा से भी स्टार्ट कर सकते हैं फोन कैमरा सेकेंड अगेन आपकी क्रिएटिविटी कंसिस्टेंसी शफात का मुझे मेक श्योर नहीं है कि वो सोशल मीडिया से आए या नहीं आए या तो ये कट कर दीजिएगा या मुझे माफ कर दीजिएगा असलम वेलकम अगेन टू द रेडवुड टाइम्स आई एम योर होस्ट महग नही आज के दौर में फ़ीमेल्स को अपने पाँव पे खड़ा होना कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टेप ले सकें आज की पॉडकास्ट टोटली totally इसी पे होने वाली है क्योंकि हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट सबा सिकंदर तो आई वेलकम करते हैं असलमेक सबा कैसी हैं आप वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अच्छा सबा सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सबा कौन है कोर्स वो सारी फीमेल्स तो आपको जानती होंगी जिनको आपने अपने पाँव पे आज तक खड़ा किया है लेकिन वो जो आज तक हेल्प लेना चाहती हैं लेकिन उनको कोई ज़रिया नहीं मिल रहा तो उनके लिए सबा कौन है अच्छा सो बेसिकली आई और उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे होते हैं सो so, उसी लिहाज से social activist हुँ। 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 और फिर मैं डिजिटल हूँ अच्छा मेरा कंटेंट क्रिएशन हो रही होती है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब स्टाइल व्लॉगर और बिसाइड दैट आई है तो वो काम भी मीडिया के रिलेटेड है और

अच्छा ये क्या सोच कर किया कि मैंने 2013 से ऑनवर्ड मैं कुछ ना कुछ एज अ वॉलेंटियर सर्व कर रही थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑन डिफरेंट स्केल जैसे कि किसी कच्ची बस्ती में जाके पढ़ाना हो या किसी और को सपोर्ट करना हो या कोई भी कहाँ पे भी उनको असिस्टेंस चाहिए किसी फूड ड्राइव में हेल्प चाहिए वहाँ पे जाके सब काम किया बट कुछ चीजें ऐसी थी जहाँ पे आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है या कुछ चीज़ों से एक खिलाफ होता है किसी की पॉलिसी के साथ सो देन आई थॉट नॉट बी द चेंज वो कहते हैं ना कि बी द चेंज यू टू सी तो 2016 में फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड की उसको स्टार्ट किया अब मेन टास्क ये था कि यार पहले खुद इंडिपेंडेंट होना है खुद के पास इतना बजट या बैकअप होगा तो दूसरों को, को सपोर्ट कर सकते हैं सकते। और सेकेंड ये कि चूंकि मेरा स्लोगन भी ये छोड़ भी काम सीख अच्छा तो मेरा ये था कि डायरेक्टली डोनेशन या फंड रेजिंग उसकी तरफ हम जाएंगे बाद में भी जो लोग ट्रस्ट करते हैं या फ्रेंड्स में से कुछ सपोर्ट करना चाहे बट लोग एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्चते हैं तो है। क्यों ना लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए इस परेशानी के दौर में जैसे कि मैंने अपनी टूरिज्म कंपनी स्टार्ट की तो उसमें ट्रिप्स हम प्रोवाइड करते थे फिर म्यूजिकल इवनिंग्स कवारी नाइट गज़ल इवनिंग्स सोशल मीटअप सेशंस और फिर जो हम उनको चार्ज करते थे उसका जो प्रॉफिट होता था एड चैरिटी तो वो उनको सपोर्ट करते थे।, थे अब क्यों ख्याल ये आया कि मुझे लगता है कि आगे आगे जैसे अब 2016 से स्टार्ट हुई थी ये जर्नी 2024 में हम इस नहज में हैं कि एक बंदा अगर घर का कमाने वाला है तो गुजारा नहीं होता ऐसा हम खातन से कहते हैं कि प्लीज एक दूसरे को सपोर्ट करें कमाए स्किल्स लें और इंडिपेंडेंट हो तो कोविड में बहुत सारी खातन ने घर से बिजनेस किए खुद को इंडिपेंडेंट किया और बहुत सारी खातन ने ही घर चलाए लेकिन अगेन हम किसी इंसिडेंट का ही वेट मुझे और काम करना चाहिए तो आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिल्कुल अच्छा तो सबा आपके ये जो एनजी है वो क्या क्या स्किल्स सिखा रही होती है फीमेल्स को अच्छा बीदा चीन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अंडर आप डिफरेंट काम कर रहे हैं इसमें हम खातिन को मुखलिफॉप भी करवा कर देती हैं जिसमें वो ज्वेलरी मेकिंग कैंडल मेकिंग इसके अलावा सोप मेकिंग कंप्यूटर कोर्सेज लैंग्वेज कोर्सेज बिजनेस आइडियाज क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएशन में वो किस तरह आगे जा सकती हैं यूट्यूब uh, से कैसे अर्न कर सकती हैं बगैर फिल्म दिखाई भी इवन तो वो सारा एस क्या है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस पेज बनाना कितना जरूरी है अच्छा, मतलब लेके एंड तक आप सारे हैं। जिसको हाँ। जो गाइडेंस की जरूरत है और फिर जिस हिसाब से हमारे सेशन होते हैं मंथली हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हाँ। हैं उसमें हम चीजें मेंशन कर देते हैं कि इस वर्कशॉप में या इस कोर्स में इस सेशन में ये चीजें होंगी तो वो जिन लोगों को फिर जरूरत होती है जो लोग उसमें इनरोल होना चाहते हैं वो फिर पार्टिसिपेट अच्छा करते अच्छा, पार्टी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही होती हो या उनसे कोई चार्ज कर रही होती हो अच्छा बड़ा अच्छा सवाल आपने किया फ्री ऑफ कॉस्ट में जो हमारी सर्विसेज हैं वो ये की हम ऑर्फेज के लिए कर रहे हैं ठीक अच्छा है जितने भी यतीम खाने हैं ये यतीम बच्चे और बच्चियाँ हैं इसके अलावा जितने ओल्ड होम्स हैं उनको सपोर्ट करने में इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट में हम अपनी फूड ड्राइव्स करते हैं वीकली बेसिस पे डेली वेजर्स के लिए रिक्शा ड्राइवर्स टैक्सी ड्राइवर्स के लिए फिर रमजान इफ्तार ड्राइव्स और राशन ड्राइव्स होती हैं अब फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पर हमें लगता है कि फी किसी की पे करने वाली है बहुत है, बहुत डिजर्विंग स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं और फिर लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हाँ। फिर बिजनेस किसी ने अगर स्टार्ट करना है तो हमने इनिशियल कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके दी हुई है कि जैसे किसी को फ्रोजन फूड का बिजनेस स्टार्ट करवा दिया किसी को स्लाई मशीन चाहिए तो उनको वो प्रोवाइड कर दी बट जो हमारे ये सेशंस होते हैं काइंड ऑफ सोशल मीटअप सेशन या कोई वर्कशॉप उसके हम एक मिनिमम से अमाउंट रखते हैं फाइव हंड्रेड थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड रीजनेबल आर्ट उसमें ये कि आपके एक्सपेंसिस पूरे हो रहे होते हैं लेकिन एक्सपेंसिस अगर नहीं भी पूरे हो रहे तो एटलीस्ट जो इंसान आ रहा है पे करके वो उसको फिर प्रॉपरली टाइम देगा अपनी एनर्जी देगा और फोकस रखेगा कि उसने एक सर्टेन अमाउंट पे की है और वो हमारे लिए भी बड़ी आसानी होती है कौन से लोग ऐसे सीरियस हैं जिनको हमने इनरोल करना है अच्छा सबा आप वमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत काम कर रही हैं और बोल भी रही होती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे भी बात कर रही होती हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है एज अ सेल्फ मेड वेमेन फाइनेंशियल फ्रीडम यानी मुआशी तौर पर मुस्तक हो हाँ। होना अपने पैसे से कुछ करना अपने गोल्स अचीव करना ड्रीम्स पूरे करना मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ा ये है कि आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है आप अपने हाँ। फैसले खुद ले सकते हैं जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं चाहे वो आपका भाई हो शुगर हो कुछ नहीं बाप कर हो सकते, हाँ। आ, अच्छा ये भी हमारे यहाँ एक मशर्की हम लोग हैं ना तो हम ये भी कहेंगे नहीं कुछ कर सकते हैं लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं बट आपको सोचना पड़ता है आपको बड़ा ख्याल करना पड़ता है यार अगले का किसी का पैसा है अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपके स्पोर्ट कास्ट में आना था तो मुझे डिसीजन खुद लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास फ्रांस फ्रीडम है मुझे पता था मेरी गाड़ी है मैं खुद जाऊँगी ड्राइव करके मैंने भाई को नहीं कहना मैंने बाप को नहीं कहना मैंने किसी और को नहीं कहना तो मुझे उनके साथ अपना स्केजुअल लाइन नहीं करना पड़ेगा सेकंड फ्रांस फ्रीडम में ये कि आप अपने गोल्स खुद अचीव कर सकते हैं जैसे बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बहुत सारे लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं और फिर लाजमी नहीं की आपने कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है या कुछ छोटी छोटी खुशियाँ जैसे बहुत सारी खातन जो कि मैरिड है जिनके केसेस में मेरे पास आते हैं कि वो मार्केट गई है बच्चे ने आइसक्रीम की फरमाइश की है हाँ। तो मियाँ की तरफ देखेंगी मियाँ अपने बजट के हिसाब से चल रहे हैं या कभी मूड भी अच्छा नहीं है तो, अगर आपके हुँ। हुँ। हुँ तो आप ख्वाहिशा खुद पूरी कर सकती है और सेकेंड ये तो फिर मेंटली भी फ्री हो जाते हैं बहुत सारे लोगों में डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा होता है बहुत सारी शादियों में लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं अपना डिसीजन लेकर लोग बर्दाश्त खात इसलिए करती है कि उनको पता है यार मैं कहाँ जाऊंगी मैं जाऊंगी तो वहां पे भाई भाभी परेशान करेंगे और, और वहां हाँ। पे मतलब वालदेन परेशान होंगे तो क्यों ना मैं खैर कोई नहीं, एक हाँ, तो मारता है हाँ। दो गालियां ही तो दी है खैर है कोई बात नहीं लेकिन मसला अगेन वही है कि अगर उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी तो अपना घर अफोर्ड कर सकती है अपना रहना अफोर्ड कर सकती है हाँ। अपना खाना पीना अफोर्ड कर सकती है कैन बी इमेजिन कि आप वन टाइम मील के लिए किसी की मार खा रहे हैं किसी की गालियां सह रहे हैं किसी का टॉर्चर ले रहे हैं और अगर ये सब चीजें नहीं भी हैं अगेन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे खुशहाल घराने भी और बहुत सारे मर्द एफर्ट कर भी रहे होते हैं मुझे लगता लगता है है हैं जो सपोर्ट मुझे जैसे हम खुतन के हकूक की बात करती है मर्दों के हकूक के बारे में भी हमें एक कैंपेन स्टार्ट करनी पड़ेगी बेचारे वो भी बहुत पिछले होते हैं और उन उसपे बहुत बर्डन है बहुत बर्डन है आसान हाँ। नहीं है कि आप बाहर जाकर कमाएं और चार लोगों की गालियां भी खाएं अपने बॉसिस की भी और फिर लाकर आप खातन को दें लेकिन खातून के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि जिठानी ने तो लोन का जोड़ा पंद्रह हजार रुपए का लिया है मैंने भी लेना है अब अगर आपके पास फ्रांसी इंडिपेंडेंस होगी आप खुद कुछ कमा सकती हैं आपके पास स्किल्स हैं तो आप अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी कर पूरी कर रहे हैं या जिसपे अल्लाह ने भी एक फर्ज किया है तो बाकी ख्वाहिशात आप अपनी छोटी छुड़ छोटी खुद पूरी करें तो ये चीजें बहुत जरूरी है अच्छा सवा इस जर्नी में कितने चैलेंजेस फेस करने को मिले और उसको फिर ओवरकम कैसे किया अच्छा चैलेंजेस तो कोई भी जर्नी होगा अच्छा। किसी के लिए भी कोई आसान नहीं है हर चीज आपको प्लेटर में नहीं मिलेगी एक तो आपको रिस्क लेना पड़ता है सेकंड ये कि अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है तो चैलेंज यही था सबसे बड़ा कि आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आने और फिर अगेन रिस्क ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक काम स्टार्ट किया तो एकदम से कोई प्रॉफिट आना शुरू हो गया बहुत पैसा आना शुरू हो गया तो मैं उस पर स्टिक रही मैंने एक्सपीरियंस बहुत किया लाइक like, अच्छा अगर मैं टूर कंपनी चला रही हूँ अपनी तो ठीक है इसमें काम आ रहा है वाई नॉट इवेंट मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर लिया अच्छा अब इन दोनों में कंपेयर करके देखती हूँ फायदा किस में हो रहा है बेहतर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे थ्रू uh, आउट मेरे करियर पे बैक करेगी या मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा ला सकती है लेकिन जब कोविड आया तो अगेन मैंने जैसे कहा था कि टूरिज्म कंपनी कंपनी और इवेंट मैनेजमेंट को पॉज करना पड़ा ड्यू टू लॉकडाउन तो तब फिर मैंने क्लोदिंग ब्रांड भी स्टार्ट किया मतलब होप को लूज होने नहीं दिया जी बिल्कुल चैलेंजेस यही हाँ, थे कि कहीं ना कहीं आपके पास रिस्ट्रिक्शन आती हैं थ्रू आउट लाइफ में तो आपने उनको कैसे ओवरकम करके आगे बढ़ना है और सेकेंड ये कि मुझे लगता है जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है फैमिली uh, की जो लाइक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आपने डिफरेंस कैसे रखना है तो वो चीज़ थी उसको बस मैनेज करना ज़रा मुश्किल था अदरवाइज ऐसा कोई चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था क्योंकि मुझे लगता है जिस चीज़ का आपको शौक होता है जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होते हैं आप कर जाते आप हैं। फिर वो कर जाते हाँ। हैं लेकिन अगर आप खुद पे सेल्फ पिटी होंगे हाय बेचारी मुझे करना पड़ रहा है होगा, मैं तो नहीं। कुछ लोगों को शौक भी होता है काम करने का लेकिन वो घर में दस चीजें कंप्लेन भी कर रहे होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ खातन की मैं मिसाल इसलिए देना चाहती हूँ कि अगर कोई खातून ऐसा करती है तो वो प्लीज ना करे क्योंकि बुरा लगता है जैसे कोई घरेलू खातन भी है जैसे घर का कोई काम कर रही होती है घर पे मेहमान आए कोई मिलने आया वो बैठी रही होंगी हाय अल्लाह जी मैंने कपड़े धोए मैंने बर्तन धोए मैंने ये सफाई अगला बंदा बुरा फील कर रहा होता है कि यार आपने अपना काम किया है हाँ। आपने अपने लिए किया है यू टेलिंग मी सेल्फ पिटी ना हो ठीक है आप अपने हिसाब से करें मुझे पता है है लाइफ किसी की भी आसान नहीं है, लेकिन अगर किसी के सामने वो सेल्फ पिटी बनेंगे रोएंगे तर्स खाएंगे खुद पे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी और वो कब तक बंदा आपको बर्दाश्त करेगा एग्जैक्टली exactly. हाँ। तो आपको खुद देखना है खुद डील करना है एट दी एंड यू आर द पर्सन जिसको अपने चैलेंजेस खुद फेस करने हैं खुद रिस्क लेना है और खुद आगे बढ़ना है लोग आपको मशवरा भी देंगे लोग आपको वो कहते पंजाबी में कहते हैं ना कि लाहौर का रास्ता हर कोई दिखाता है कोई नहीं, को देता। नहीं देता हाँ। तो भाई अगेन जब आपने दूसरों के मशवरे सुनकर भी कोई अमल नहीं करना आपने खुद ही एट दी एंड चीजें करनी है तो पहले ही कर पहले ही कर लो तो ये सारी चीजें अच्छा सफा माइंड सेट कितना रोल प्ले करता है फाइनेंशियल फ्रीडम पे स्पेशली फॉर वेमेन इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट जैसे कि हम सुनते हैं ना अक्सर किसी को अगर लत लग गई है उधार मांगने की और वो उधार मांगता रहेगा अगर किसी को लत लग गई है भीख लेकर खाने की तो वो हमेशा यही करेगा मुफ्त खोरे लोग बन जाते हैं इसी तरह से अगर किसी को ये है कि भाई मेरा तो पूरा हो रहा है घर भी मेरे पास है पैसे भी अबू दे रहे हैं भाई दे रहा है मुझे क्या जरूरत है करने की या तो मैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हम तो सोना के सोने का चमचा लेकर पैदा हुए हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते एक तो ये माइंड सेट सेकेंड ये कि रिस्क टेकिंग रिस्क लें जिंदगी में हम लोग मतलब लाखों एक टूर पे उड़ाने में तो नहीं आर महसूस करते या बर्गर्स में या खाने में छोटे अगर स्केल की बात की जाए जो लोग फाइनेंशली बिल्कुल डिपेंडेंट हैं या इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे वो भी लोन का जोड़े की जैसे हमने बात की कि बारह हज़ार का लोन का जोड़ा शादी के कपड़े बनवा लेंगी लेकिन किसी काम में इन्वेस्ट करते हुए सोचेंगे डूब गए तो मियाँ डांटेगा बचपन से आपको रिस्टेकिंग कुछ घरों में नहीं सिखाई जाती आपको हर चीज के लिए डराया जाता है अच्छा आई एम सो ग्लैड कि अभी कुछ स्कूल्स में आ, बच्चों की आंट्रप्रीनियोरशिप जर्नी के हवाले से बात होती है प्रैक्टिकल्स उनको दिए जाते हैं उनके हवाले से कुछ वर्कशॉप्स भी कंडक्ट होती है और अगर किसी में नहीं होती तो खुदाना खास्ता प्लीज स्टार्ट, स्टार्ट करें और अपने घरों में बच्चों को सिखाएं हम इतना पैम्पर कर देते हैं बच्चे को हाई छोटा है हाय छोटी है ये ये अभी कैसे कमाएगी नहीं नहीं बेटा तुम पढ़ो हम करेंगे अभी बल्कि मेरे नेफ्यू निशीज वगैरह इंटर वगैरह कर चुके हैं ये वो तो मेरा और भाई की जो डिस्कशन होती है हम यही कहते हैं यार इनको कौन सा स्किल्स प्रोवाइड करने अच्छा तुम अच्छा तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखो तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो अब वो इसलिए नहीं कि हमें उसके पैसों की जरूरत है वो इसलिए उनको पता होना चाहिए कि अगर हमने मतलब यू नो बच्चों के बड़े पार्सल आजकल आ रहे होते हैं कि डिफरेंट एप्स बैठे ऑर्डर कर रहे हैं ऐसे तो कुछ ना कुछ उनको खुद भी हासिल करना है और आज जो का टाइम ऐसा है है कि आपको जब तक स्किल्स नहीं आएंगे यू कांट डू एनीथिंग बिल्कुल जो उसकी जो उसकी पॉकेट मनी उसके पैसे है, वो जब उससे कुछ चीज हासिल करेगा तो वो वो खुशी है मोटिवेशन है जो वो खुशी है वो कहीं और से हासिल नहीं हो सकती तो ये कुछ स्टेप्स है मुझे लगता है कि ये लाजमी करने चाहिए घरों में बच्चों को अभी से सिखाना शुरू करें और अभी से बताना शुरू करें कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो है आ, वो कितना बड़ा मैजिक है आपकी जिंदगी के लिए और वो आपको खुशियां भी देगा खुशी अगेन मोटिवेशन से आती है। है जो नहीं दे सकता <laughs> मतलब हाँ। अच्छा सब इस मेन डोमिनेंट सोसाइटी में एक फीमेल कैसे अपनी हेल्थ को अपनी वेल्थ को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मिच्योर कर सकती है आगे लेके चल सकती है अच्छा अगेन बैक टू द बेसिक्स कि पहली बात तो यह कि आप किसी इंसिडेंट का वेट ना करें या इस तरह से वेट ना करें जो हमारे ड्रामों में भी दिखाया जाता है कि तीन लफ्ज आपको सुनने को मिलेंगे फिर आप और हाँ, आप बेघर हो जाएंगी हाँ। और फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा और बहुत से केसेस ड्रामों के अलावा भी मेरे पास ऐसे आते हैं कि खुला हासिल की है लेकिन कुछ भी नहीं है मियाँ पैसे नहीं दे रहे मियाँ बच्चों के लिए खर्चा नहीं दे रहे आपके हालात अगर बेहतर भी हैं खुशहाल तरीके से जिंदगी गुजार भी रही है तो प्यार से कुछ चीजें समझाने की कोशिश करें और खुद को मोटिवेट करें काम करना शुरू करें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आए स्किल्स सीखें अब स्किल्स सीखने के लिए आपको कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट सदारों का रुख करने की जरूरत तो नहीं है ऑनलाइन सब कुछ है एग्जैक्टली exactly. लेकिन ऑनलाइन भी कुछ स्कैम्स हो रहे हैं फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे भी बचें कुछ लोग जैसे अब

कुछ नहीं है आपका जो प्रैक्टिकल मैप है ना वो बहुत डिफरेंट है आ, तो उसके लिए आप ये करें कि आप यूट्यूब से सीखें फ्री यूट्यूब पे आप जहां बहुत पे बहुत सारे ड्रामाज हाँ। और फिल्म वगैरह देखते हैं वहां हाँ। पे सीखें फिर उसके बाद अब तो टिकटॉक पे टिकट जैसा हाँ। प्लेटफॉर्म खात बिजनेस रही है इतनी खवतीन काम कर रही है उनकी प्रैक्टिकल जर्नी से सीखें मैं अगेन जैसे हम बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे थे मुझे लगता है थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में आना बहुत जरूरी है आपके पास अगर दस हजार रुपए भी हैं इवन पांच हजार रुपए भी हैं आप उन पे भी काम कर सकते हैं अभी इनफैक्ट मैं कल एक स्कूल में गई थी गिरजा रोड वो स्कूल वो उदारा मेरे दिल के बहुत करीब है हाँ। तो वहाँ पे कम्युनिटी वर्क हो रहा होता है जिनके साथ तो वहाँ से मेरी बड़ी अच्छी एसोसिएशन है वहाँ पे जाके हम कम्युनिटी वर्क भी करते हैं वहां के दो केसेस मैं आपको बताना चाहूंगी एक तो एक ऐसी खातून के बारे में मुझे पता चला और फिर मैं उनसे मिली भी कि उन्होंने पांच हजार से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और पांच हजार से कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने उसके बाद अभी वो लाखों में कपड़ा लाती हैं फैसलाबाज से और वो काम कर रही हैं वो सोशल मीडिया पे गई नहीं है उनकी वही कम्युनिटी डेवलप हुई हुई है फ्लाह ने बताया है, दो खबा तीन को दो ने चार को बताया आ, चार ने छः को बताया तो घर बैठे हुए वो उससे कमा रही हैं सेकंड केस मैं ये बता रही हूँ कि फिनंशियल इंडिपेंडेंसी कितनी ज़रूरी है पैसा कितना ज़रूरी है कि मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ जो कि छः साल की है उनकी वीडियो भी मेरे पास तो मौजूद है और तो वो छः साल की बच्ची किसी के घर में काम करती है स्कूल के बाद तीन से चार घंटे और कितने पैसे मिलते होंगे पचास रुपए रोज के तीन से चार घंटे का, का काम जिसमें पोछा लगाना है जिसमें सफाई करना है जिसमें बर्तन धोना है मैं उस बच्चे से खुद मिली कई बार और मेरे पास वीडियो भी है पचास रुपए में वो बच्ची लोगों के घरों का काम कर रही है तो पचास रुपए हम जिसको मतलब कुछ, कुछ समझते नहीं भी समझते भी नहीं, नहीं समझते है कितना जरूरी है तो इसलिए अपने बुरे वक्त के लिए वो पैसा रखे सेकेंड ये कि अगेन आप सोशल वर्क अगर आप किसी को हेल्प आउट भी करना चाहते हैं तो आप करना चाह रहे हैं ना आपको सवाब मिलेगा या आपका जो इनर सेल्फ है वो खुश होगा तो वो अपने पैसे से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है बजाय आप था। था। से मांगे, मांगे, वो मना था, करेंगे था। बाप से मांगेंगे वो मना करेंगे तो ये चीजें फिर अगेन अभी खैर हमने उन बच्ची के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी हमने कर दी है वो माशाल्लाह एकेडमी भी और स्कूल भी जा रही हैं उनके घर वालों को भी हमने जो उनकी नीड्स थी वो पूरी करके दी है तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी मेल डोमिनेंट सोसाइटी मुझे लगता है बहुत सारे मेल्स भी ऐसे हैं हैं जो कि शायद चाहते हैं। कि हाँ, कुछ कमाई हाँ। मेरी एक साहब से मुलाकात हुई एक नेटवर्किंग इवेंट में और वो बताते हैं कि मुझे पता है क्या बुरा लगता है मेरी बीवी के बारे में मैंने कहा क्या वो कहते हैं वो ये लगता है कि वो उनको सड़क भी पार करने होती तो है वो मेरा हाथ पकड़ने का वेट करती हैं मैं आगे चला जाता हूँ और वो पीछे रुक जाती हैं एंड ही वॉज मेच्योर इनफ और उनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हैं तो मेरी एक छोटी सी बात मैंने ना अभी तक क्लिक की हुई है पिछले दो तीन सालों में मैं ये सोचती हूँ मैं कहती तो हूँ यार ये भी चीज़ है जिसमें आपको इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है अब वो टाइम नहीं है आपको छुई मुई या शाये बनना है आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और खुदा आपका पास्ता बुरे हालात बुरे वाकत हर आ, मुल्क में होते हैं पता भी नहीं हर जगह होता है बट आपको खुद अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे रखनी है ये आपको पता होना चाहिए तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मेल डोमिनेट सोसाइटी कुछ नहीं है Uh, आपको खुद समो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा आई हैव फोर ब्रदर्स माशाल्लाह चारों बड़े हैं मैरिड हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं uh, मेरे जो सेकंड वाले भाई है uh, जावेद भाई वो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें मेरे साथ होते हैं मोस्टली हम जाते हैं तो इनकरेज करते हैं मेरे मेल फ्रेंड्स इनफैक्ट मैं बल्कि बिहाइंड भी बात करी थी एक मेल फ्रेंड ऐसे जिनकी मैं अम्मी से बहुत इंस्पायर हूँ से माशाला सेव इस ओल्ड लेडी फिफ्टी फिफ्टी फाइव एज का ना करिएगा <laughs> तो लेकिन उनके पास कोई सोशल मीडिया पेज नहीं है उनको कुछ सोशल मीडिया की अवेयरनेस नहीं है कोई पोस्ट वगैरह नहीं है लेकिन वो अपना अपना होम बेस्ड कोई बिजनेस रन है तो वो सेविंग्स करती हैं अपनी बहुत सारी हालांकि माशा के बेटे वगैरह सब कुछ है बट वो अपनी सेविंग्स इतनी अच्छी रखती हैं और बड़ी छोटी छोटी चीजें गोल्ड की चीजें तो ये चीजें बताने का मकसद ये है कि जो आज की बच्चियां हैं जो टीन एजर्स हैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकल रही है उनके पास इस तरह की सेविंग्स होना जरूरी है चाहे वो अगेन पैसे की सूरत पैसा हम कहते हैं डी वैल्यू भी होता है डिग्रेड भी होता है सब कुछ तो आप गोल्ड की सूरत में करें आप प्राइस बोन्ड्स की सूरत में करें आप बाकी किसी प्रॉपर्टी की सूरत में कर लें इस तरह so हाँ, की छोटी छोटी चीज़ें के हाँ, so हाँ. तौर पर आप रख सकते हैं अच्छा सवा आपके पास बहुत सी ऐसी डिवोर्सी लेडीज भी आती होंगी और अनमैरिड भी आती होंगी या विडोज भी आती होंगी तो उनको कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर रही होती हैं क्या क्या आइडियाज या क्या क्या स्टेप बाय स्टेप उनको किस तरह लेकर चल रही होती हैं अच्छा पहली बात तो यह कि उसमें एक असेसमेंट बहुत जरूरी है कि उनके पास स्किल्स क्या है हुँ. या उनका शौक क्या है किस काम में वो बेहतर है हुँ. जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ कुकिंग में बहुत अच्छी हो सकती है इट्स आर्ट इट्स अ टैलेंट इसको आप कैसे यूटिलाइज करती हैं आजकल कर आप रील्स बनाकर अपलोड कर दें फेसबुक पे यूट्यूब पे तो वहाँ से तो आपको अर्निंग आएगी मोनेटाइजेशन के बाद बट उसके बाद आप अपना एक मेन्यू सेट करें अपने पम्फ्लेट्स बनवाएं अपना कोई एक नाम रखें और उसके बाद आप डिफरेंट जैसे ये कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जाके दें ऑफिसेज में दें होस्टेस में दें वो लोग घर का खाना ढूंढ रहे होते हैं ऐसे ही है, वही आपको ऑर्डर्स देंगे और ये हमने किया है अलहमदिल्ला पाँच से सात ऐसे बिजनेस जो हमने इस्टेब्लिश करके दी है वो खातन घर से कमा रही हैं खाने के उनके पास इतने ऑर्डर्स आते हैं कि उन्होंने एम्प्लॉज़ और वर्कर्स रख लिए है इसके अलावा फ्रोजन फूड बिजनेस है फिर उसके बाद कोई मेकअप में बहुत अच्छे हैं तो उनको जहाँ पे अगर थोड़ी असिस्टेंस की जरूरत है कि उनको एक सलोन ओपन करना है छोटा सा या कोई कोर्स करना है उसको वो उसमें हेल्प आउट कर देते हैं फिर कुछ लोग पढ़ाने टीचिंग में बहुत अच्छे हैं लेकिन अब वो दौर भी गया कि आपको इस बच्चे आएंगे ट्यूशन ट्यूशन वाले और आप आप उनको पढ़ाएंगे हाँ। वो नहीं ई ऑनलाइन बैठ हैं बहुत सारे आप किस लैंग्वेजेस में आप अच्छे हैं जैसे बहुत सारे लोग पंजाबी सीखना चाहते हैं हाँ। उर्दू सीखना चाहते हैं अरबिक सीखना चाहते हैं इंटरनेशनल बिल्कुल अच्छा एंड कर रहे हैं लोग तो इस तरह की कुछ चीजें पहला तो ये कि स्किल्स जानना बहुत चाहत जरूरी है दूसरा ये कि उनका पैशन उनको शौक किस चीज़ का है कि जिस चीज का आपको शौक होगा वो आप खुशी खुशी करेंगे और आप उसमें एक्सेल भी कर लेते हैं जल्दी और थर्ड ये कि फिर उनको जो भी असिस्टेंस चाहिए होती है सोशल मीडिया हैंडलिंग के हवाले से एडवर्टाइजमेंट के हवाले से उसमें हम हेल्प आउट करते हैं और अगर उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो, तो वो भी फ्रेंड्स फॉलोअर्स कुछ हैं उनको मिलाकर फिर हम उनके हवाले करते हैं और वो चीजें रहती हैं अच्छा इन फीमेल्स में कौन सी ऐसी स्किल्स देख रही होती हो सब के वो लैक कर रही हैं और आज के दौर में इन फीमेल्स को ये स्किल्स सीखने बहुत जरूरी हैं अच्छा कम्युनिकेशन पहली चीज तो कम्युनिकेशन आपके पास कोई भी स्किल है अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आएगा बिल्कुल क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी इवन देखे हैं मेल या फीमेल्स भी कि जिनका जीपीए तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छे ग्रेड्स है बहुत अच्छे डिग्री होल्डर्स है बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और दे कांट कम्युनिकेट तो वो इंटरव्यूर को क्या बताएंगे बिल्कुल वो अपने नहीं कर पा रहे तो पहली चीज़ तो ये कि इसमें लैक करी होती हाँ। है जीज़ जीज़ हम चाहते हैं कि वो communicate करें अपने इलाकों में तो वहाँ पे भी एक इशू ये था कि चूंकि वो बोलना सीखा नहीं ना उन्होंने बोलना ही नहीं बताया नहीं अपने बारे में हाँ। तो, आ, के -के हाँ। आ, में। तो भी भी वो नहीं बता पाती लेकिन जब अगर हम उनके स्किल्स देखें जैसे कि कपड़े सिलाई करना डिजाइनिंग मेहंदी लगाना मेकअप करना, करनाटेड खाना इतनी अच्छी हाँ। हाँ। बनाती मतलब मुझे लगता है कि हमारा एक तो का कपड़ा और एक सकता मैंने वर वर्ल्ड ट्रेवल किया हाँ। है तो जो यहाँ के खानों का वो है एसेंस टेस्ट वो कहीं नहीं है तो ये कुछ चीजें जिनको वो यू नो यूटिलाईज कर सकते हैं फिर उसके अलावा अगेन स्किल्स uh, में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जैसे कि अगर आपने बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए होते हैं जैसे गूगल कोर्सेज यूडेमी ये फ्री ऑफर कर रहे हैं तो इनफेक्ट मैं अभी अपनी सिस्टर से बात कर रही थी उन्होंने कुछ कोर्सेज करने थे किसी एक अदारे से स्पेसिफिक तो शिवसे उसके एडमिशन ऑफ क्लोज हो चुके हैं तो मैंने उनको कुछ वेबसाइट ऐसे दी मैंने कहाँ पे करो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है साथ साथ और वो प्रॉपर्ली असाइनमेंट्स वगैरह उसी तरह से हो रही होती हैं तो ये चीज़ें उनको फिर उस हवाले से हम अवेयर करते हैं एजुकेट करते हैं जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो हो भी करते हैं।, हैं अच्छा सबा आप नॉन प्रॉफिटेबल एन भी चला रही हैं तो वो बच्चियाँ जिनको अंदर से शौक़ है कि वो भी एनजीओ चलाएं और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर सकें तो उनके लिए क्या ऐसी एडवाइस है अच्छा एक तो ये कि लाजमी नहीं कि एन ही चलानी है बहुत सारे लोगों का बहुत सारी ये टर्म यूज़ होने लगी है और बहुत सारे लोग जगह जगह पेजिदर्गे हैं सकते हैं एनजीओ हेल्प ही करना है तो लाजमी नहीं बहुत बड़े स्केल पे जाना है एक तो खैर पाकिस्तान में भी अब आगे का पता नहीं जब तक हमारी पॉडकास्ट रिलीज होगी बट टिल नाउ जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी रजिस्टर्ड नहीं हो रही अभी रजिस्टर्ड नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ उस तरह से तो आपने अगर कोई सोशल वर्क करना है किसी का भला करना है किसी के लिए कोई अच्छा काम करना है तो आप अपनी कम्युनिटी में इर्द गिर्द कर सकते हैं अपने आस नजर रखें और सबसे बड़ा जो फ्लाई काम है मुझे लगता है आजकल किसी को सुन लेना आपके पास कोई खातून आई आपके रिश्तेदार होगी या आपके पड़ोसन होगी उस बेचारे का कोई दुख है या उसको कोई परेशानी है आपने भी आगे से मुंह बसोर लिया है आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे और फिर हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है अगर कोई एक अपना प्रॉब्लम बता रहा है मसला बता रहा है दूसरा दूसरा उसको उसको हो जाएगी अपनी हाँ। दस हाँ। अगला कहते हैं है हाँ। तो है, हाँ। वो बहुत जरूरी है तो अगर आप किसी की प्रॉब्लम सुन भी लेंगे तो आधा मसला तो उसका वहीं पर हल हो जाएगा तीसरा ये कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं भी कर सकते फाइनेंशियली तो मॉरली सपोर्ट करने की कोशिश करें एम्पति लाए खीन में एम्पथी होना ज्यादा जरूरी है, है। आ, क्योंकि ड्रामो से इंस्पायर होके या कुछ चीजों से इंस्पायर होकर हमने बड़ा सुना है औरत ही और दुश्मन इनफेक्ट मेरे एक फ्रेंड है वो कहते हैं कि यार ये खबीन बड़ा डोनर होती है कि फ्लां मर्द ने दूसरी शादी कर ली तीसरी शादी कर ली ये कर ली तो वो शादी भी तो औरत से ही करते है ना दूसरे से तो मैं बड़ा हिट किया मुझे ये कि अगेन औरत ही औरत की टक्कर है आपस में मर्द का तो कोई लेन देन नहीं है इसमें सास बहू की नहीं बन रही नंद भाभी की नहीं बन रही है ये सारी चीजें तो जब आपस में आपका एका नहीं है तो घर का मर्द फिर बेचारा किस तरह बैलेंस करें हाँ, कैसे चले तो लाए अपने अंदर और वो फिर चीजें बेहतर होंगी अच्छा आप कॉन्टेंट क्रिएटर भी हैं तो मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं या टेक्निक्स हैं जो न्यू भी फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकता है इस फील्ड में अच्छा एक तो ये कि अपनी निश पहचाने कि आप किस काम में अच्छे हैं बेहतर हैं कुछ लोग फूड बहुत अच्छे होंगे कुछ लोग कॉमेडी में बहुत अच्छे होंगे फनी वीडियोज बनाना फनी रील बनाना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हैं उसमें बड़े अच्छे होंगे तो अपनी निशे एक पहचानने लेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है आपने किन के लिए कंटेंट बनाना है और आपने क्या कंटेंट बनाना नहीं। है अगर आया कि फूड का है तो फिर सारा फूड का रहना चाहिए अगर ट्रैवल का है ट्रैवल का रहना चाहिए और अभी तो खैर मेकअप इंफ्लुसर बहुत हैं हमारे पास तो उनका भी एक अच्छा सेटअप है तो वो अगर आपके निशे तो उसको पकड़ें फिर थर्ड ये कि कंसिस्टेंसी uh, हाँ। ऐसा नहीं है धना तो हाँ। पार हाँ। नीर है फिर इसके अलावा शफात सैयद है हानिया हाँ। आमिर डब स्पैस हाँ। हाँ। से आयु अच्छा शफात का मुझे मेक श्योर sure नहीं है कि सोशल मीडिया <laughs> से आए या नहीं आए या तो ये कट कर दीजिएगा या मुझे माफ कर दीजिएगा और फोर्थ ये इसी तरह के बहुत सारे रेयर केसेज हैं तो आपने कंसिस्टेंसी रखनी है किसी वीडियो पे आपके हो सकता है मिलियन व्यूज भी भी आ जाए किसी किसी पे भी किसी में आपके भी आएंगे, करना लोगों को अप्रोच करें लोगों से मिले नेटवर्किंग करें और अगर खुदा खास्ता आप फेमस हो गए वायरल हो गए जो कि अल्लाह करे हो जाएंगे तो उसमें अपने दिमाग में सवार मतलब उसको उसी तरह इजी लेकर चलेंगे तो फिर आप लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे वरना फिर कई आए और कई चेहरे गए हमने देखा है पिछले कुछ सालों हाँ। में और कुछ लोगों के नाम भी याद नहीं होंगे हमें वायरल हुए और एकदम से गायब हो गए तो कंटेंट क्रिएशन में कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो एसेंशियल हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप अप टू डेट रह सकते हैं ट्रेंड्स के साथ आप चल सकते हैं अच्छा टूल्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा कैमरा अच्छी लाइटिंग बहुत जरूरी है लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट करने आप रहे हैं आप लोगों के है, पास नहीं है कुछ नहीं अफोर्ड कर बिल्कुल सकते तो, और आप हाँ। इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हाँ। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर कंटेंट क्रिएशन अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं फॉरन से तो वो करेंगे ये कि वो उधार लेकर या माँ के कंगन शिक्षा या कुछ भी महंगे महंगे कैमरे दे लेंगे महंगे महंगी लाइट्स दे देंगे महंगे महंगे माइक्स ये सब लेकिन जब वो स्टार्ट करते हो तो एक डेढ़ साल तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो दिल बर्दाश्त हो जाते है और नुकसान अलग होता है तो वो उनको लगता है कि यार ये हमारे लिए नहीं है तो आप छोटे से कैमरा से भी स्टार्ट कर सकते हैं फोन कैमरा फोन से इतने अच्छे अच्छे आगे हैं बहुत सारे फोन के कैमरा बहुत अच्छे हैं अंडर वन लैक में इवन बहुत सारे लाजमी नहीं कि एप्पल प्रोडक्ट्स की तरफ आप भी जाने एंड्रॉयड स्मार्टफोन बहुत अच्छे हैं तो वो एक कैमरा जरूरी है सेकेंड अगेन आपकी क्रिएटिविटी अंदर से आप क्रिएटिव आपकी क्रिएटिविटी है, है बिल्कुल मैंने अभी टिकटॉक पे अक्सर दो चार वीडियो देखती हूँ तो एक खातून है फैसलाबाद से नाम है शायद उनका नाम आयशा है वो गाँव में रहती है फैसलाबाद के किसी अंदर के गाँव में उनकी आवाज इतनी खूबसूरत है इतने अच्छे वॉइस ओवर करती है इतने अच्छे से वो शूट करती है सिर्फ सनराइज और सन सेट या अपना घर का जो कच्चे पे भी सारा बना रही छोटे इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं मिलियंस में तो खुद वायरल हुई ना अगेन और फिर कंसिस्टेंसी मैं उनका कंटेंट देखती हूँ तो वो रोज आ रहा होता है और जब लोग देखना शुरू करते हैं तो वो दूसरों को भी आ रहे होते हैं उसी तरह के और अगेन जब आपके पास अच्छे इन्वेस्टमेंट आ जाए आपके पास स्पॉन्स आ जाए तब आप करें। करें। हाँ। अपडेट लाजमी करें क्योंकि अच्छे कैमराज अच्छी लाइटिंग अच्छा माइक अच्छा माइक अगर आपके पास नहीं होगा तो आवाज उस तरह से वॉइस क्वालिटी नहीं पहुंचेगी लोगों तक और अगर आपके पास फॉरनर या लोग देख रहे हैं या ब्रांड्स देख रहे हैं तो ब्रांड्स आपको इसी बेस पे अप्रोच करेंगे और इनिशियल जब आपके फॉलोअर्स तो को खुद अप्रोच ना करें या पीस इनको अमूमी तौर पर बहुत सारे बिजनेस या ब्रांड डिजिटल करना स्टार्ट हो गए और वो इसीलिए कि आपके पास फॉलोअर्स नहीं है आपके पास रीच नहीं है आपके पास इंगेजमेंट नहीं है लेकिन आपने पी आर्स मांगना शुरू कर दिए हाँ ये कोलेब्रेशन का आप जरूर बोले एक आपको बट तरीका होना चाहिए तरीका होना चाहिए कि राइट अप किस तरह से हो एंड आपका काम बोलना चाहिए अगर आपको कोई पेड प्रोडक्ट अभी नहीं मिली प्याज नहीं मिली तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कितने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉफी है हाँ। आप इससे कोई वीडियो बनाएं इस पर अच्छा वॉइस ओवर करें कि आपको कॉफी ब्रांड चाय के ब्रांड खुद अप्रोच करें मेकअप हाँ। है आप अपने जो तो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करें लाजमी नहीं कि आपने ये समझना है कि आपके शार्ट आउट से पता नहीं उनका क्या लाखों का बिजनेस आ जाएगा लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू डू इट क्योंकि आपका वो पोर्टफोलियो बिल्ट होगा कम से कम स्टेप तुले तो हाँ। बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो बिल्ट होगा फिर आपको वो तो अच्छा हाँ मैं यही पूछने वाली थी नेक्स्ट के जो न्यूबीज़ हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो कौन से स्टेप्स फॉलो करें क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो समझते हैं कि पहले मंथ में किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखा कि मैं भी ऐसा बनाऊंगा तो पहले मंथ में मुझे इतने डॉलर्स आने लग जाएंगे लेकिन वो एक दो मंथ में नहीं आए हैं तो आप बस दिल छोड़ के बैठ जाते बस मैं नहीं ये कर रहा मुझसे नहीं होता कंसिस्टेंट रहना कितना इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है लाइक अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो अगेन आप आगे लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते या आप वो जो सक्सेस चाहते हैं उसको अप्रोच नहीं हाँ। कर सकते जैसे कि मैंने कहा यू नेवर नो आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्लिक कर जाए यू नेवर नो क्या वायरल हो जाए कोई भी बात ऐसी

कंसिस्टेंट ना रहती ये ना बनाती तो ये भी वायरल ना होता तो एक तो ये चीज फिर उसके बाद हमजा भट्टी है फूड ब्लॉगर्स में देखते तो उनका एक नाम हमारे माइंड में आता है तो कंसिस्टेंट रहना तो इसलिए जरूरी है कि आपको नहीं पता कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्लिक कर जाए किसी को क्या आ जाए और सेकेंड ये कि फिर जरूरी ये है कि अगेन आपकी अपनी निश क्या है क्रिएटिव काम क्या है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर कॉमेडी या इस तरह की जो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करेंगे जिसमें कोई बहुत ही फाउल लैंग्वेज यूज करेंगे किसी को गालियां देंगे तो वो फौरन से वायरल हो जाएंगे या मशहूर कोई हमारे एक दो होस्ट भी हैं वो बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है उन्होंने अपने तरीके से उस चीज़ों को अप्रोच किया और वो उस चीज़ को पहुँच गए लाजमी नहीं है कि फनी होने के लिए आपको बेशर्म भी होना पड़ेगा या बदतमीज भी होना नहीं। पड़ेगा, नहीं। पड़ेगा माजरत के साथ क्योंकि आजकल मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इवन जो एटीन प्लस नहीं है अंडर एटीन है वो उनसे इंस्पायर होकर फिर उसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं या गाल देते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि अगर आप अंदर से बदतमीज़ नहीं है या आपके घर का माहौल ऐसा नहीं तो आपने बनना ही बनना है और ये कुछ चीजें अच्छा सब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए टू सपोर्ट वुमेन अच्छा गवर्नमेंट के हवाले से आपने क्वेश्चन किया तो पहले तो बड़ी खुशाइन बात है अगेन बाकी सारे अख्तराफा अपनी जगह पे हुँ. लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी जो सीएम है वो खाने है ठीक है इसके अलावा अभी आपके पास एक ए एस पी शेरवानो नकवी भी वायरल हुई मार खाने बहुत सारी खातन बहुत सारी अच्छी पोस्ट पे अच्छा काम कर रही है तो एक तो ये कि उनसे इंस्पायर हो उनको अप्रोच करने की कोशिश तो करें आप अगेन जब तक आपका पोर्टफोलियो प्रपोजल बिल्ड नहीं होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का दायरे का तो आप उनको कैसे अप्रोच करेंगे अभी नहीं। नहीं। जैसे मैं रिसेंटली एक खबर भी पड़ रही थी न्यूज में और हमारे कुछ ग्रुप्स में भी आई हुई थी कि उन्होंने फिल्म मेकर्स के लिए बड़ी अच्छी एक ग्रांट रखी है कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल फाइव करोड़ खर्चा आ रहा है आपकी फिल्म पे तो जो रिमेनिंग फाइव करोड़ है या जो भी फाइव करोड़ आ रहा है तो ढाई करोड़ गवर्नमेंट पे करेगी ढाई आप करेंगे उन्होंने कुछ प्रपोजल्स बनाने को कहा उन्होंने कुछ चीज़ों को कहा तो मैं कुछ फिल्म मेकर ज्यादा तौर पर जानती हूँ जो कहा कि यार टाइम बहुत कम है अप्लाई करने के लिए जब आप अप्लाई ही नहीं कर रहे तो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे बाकी उनको पॉलिसीज ये बनानी चाहिए जैसे कि अभी कुछ अच्छे काम हो भी रहे हैं ये पिंक बसेस का हो रहा है स्कूटीज हाँ। का हो रहा है फिर इसके अलावा कुछ ऐसे अदारे बना ले जो कि उनकी शायद मुझे कमी लग रही है वो कैशनल अदारे हमारे पुराने हैं लेकिन वो पुरानी ही तरीके से चल रहे हैं पुराने ही लाइफ से कि वो सरकारी सतह पर ना किसी का काम करने का दिल नहीं करता अगेन कि वो कहते हैं कि बस हमें जॉब मिल गई है नौकरी मिल गई है तनख्वाह तो हमारी आ ही रही है खैर देख लेंगे कर, मतलब पंजाबी में कहते हैं दिन टपाना हाँ, दिन गुजार रहे होते हाँ, हैं।, हैं तो उसमें ये कि कुछ ऐसे वोकेशनल अदारे स्किल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं जिससे बच्चे सीख सकें ना बच्चे ना खुवात बल्कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए अपना टाइम स्पेंड करें वहाँ पे जाके कुछ कोर्सेज करें इससे होगा ये कि एक तो ये कि उनको एक सपोर्ट मिलेगी

अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी इतनी नहीं है आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप किसी को तो पैसे से सपोर्ट कर सकें अपने स्किल्स से सपोर्ट करें और अगर छोटी सी बात की जाए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा है ये ब्लॉगर्स जब मीटअप्स वगैरह में भी आते हैं अब अगर किसी एक के पास ट्राईपोर्ड और किसी दूसरे को ट्राईपोर्ड से छोड़ लेना है तो मुझे भी चाहिए ये तो खराब है देखते हैं और वो आगे पीछे हो जाते हैं भैया आपके किसी गैजेट से क्या हो जाएगा आप यूज करने के लिए दे दे थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखें तो ये कुछ चीजें पॉजिटिव अप्रोच रखें कोलैबोरेट करें अपलिफ्ट करें एक दूसरे को और अगेन जिंदगी में हर दिन का एक गोल बना लें कि कोई ना कोई एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है तो जब आप इस सोर्स से बाहर आते हैं और आपको कोई ना कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस करता है करना है तो आपके माइंड से एक आवाज आएगी जब आपको कोई हेल्प के लिए पुकारेगा तो आप कहेंगे यार लेट्स डू इट तो वो कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट आएंगे और उससे फायदा आपको भी होगा अल्टीमेटली इंडिविजुअल को सवाब गुना की अप्रोच तो एक अलग रहेगी आखिर की तो एक अलग रहेगी लेकिन दुनियावी तौर पर बेनिफिट होते हैं अच्छा सबा मूविंग टूवर्ड्स एंड वो खात जो कुछ करना चाहती हैं उनके पास स्किल्स भी हैं लेकिन लैक ऑफ फेलियर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम कुछ नहीं कर पाएंगे हम फेल हो जाएंगे, ओ हो शर्मिंदा हो रही बोलेंगे उनके लिए क्या करना चाहेंगे उनके लिए एडवाइस ये लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे आ, जब आप मर भी रहे होंगे ना तो लोग कहेंगे सही से नहीं मरा हाँ, इसको ऐसे मरना चाहिए करना तो लोगों की परवाह करना एक तो पहली बात है बिल्कुल छोड़ लोग कुछ ना कुछ कहेंगे किसी ना किसी हवाले से जब आप यहाँ से मैंने अगेन बताया कि जब आप मेंटली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यहां से फ्री होना पड़ेगा से से गुलाम से गुलामी छोड़नी पड़ेगी तो आप फिर कुछ भी गुजरते हैं आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा फिर सेकेंड चीज़ अगेन हम जिस माशरे में रह रहे हैं फैमिली की बहुत जरूरी है हमारी फैमिली वैल्यूज भी बहुत जरूरी है मैं हर किसी नहीं कह रही कि मतलब फैमिली को छोड़ दें या यू नो उनके खिलाफ को छोड़ दें आप उनको बताएं कि आपका ये काम कितना जरूरी है क्यों जरूरी है कैसे ज़रूरी है आ, उनको साथ लेकर चलें तो डेफिनेटली वो भी सपोर्ट करेंगे और अगेन थर्ड ये कि रिस्क टेकिंग आप बता दें बैठें और प्रैक्टिकल रिस्क लें ना नहीं। नहीं। आपके पास सेविंग्स भी इतनी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के पास लाख रुपए है और उसको लग रहा है उसने कोई काम स्टार्ट करना है और उसने लाख का जाकर कपड़ा ले आई है अब सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है वहाँ पर पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है नहीं है पैसा अच्छा अगर खुदा ना खास पता ही नहीं चल रहा बेचना कैसे है नुकसान हो गया तो बैठ गई तो आप बैकअप प्लान रखें फॉर एग्जाम्पल आपने लाख रुपए आपके पास है तो आप तीस का कपड़ा लें डिवाइड हाँ, करें दस हाँ, आप सोशल मीडिया हाँ। पे लगाए दस आप बाकी चीजों पे लगाए पैकेजिंग हाँ। वगैरह पे ये वो और फिफ्टी आप अपने पास रखें बैकअप बैक बैक पे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे आपका बिजनेस एक महीना दो महीना तीन महीना नहीं भी चल रहा है आपको नुकसान हो रहा है तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो है आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं हो तो ये अप्रोच भी रखना जरूरी है थैंक यू सो मच सबा मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट से लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंट आया होगा और ज़रूर लड़कियां स्टेप आउट करेंगी और कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी होपफुली इंशाल्लाह <laughs> ये एक छोटी सी एफर्ट है अगेन <laughs> वो एक शेयर भी है मैं वैसे बहुत बुरी हूँ इसमें जुलमते शब्द से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शमात जलाते जाते तो हमारे हिस्से की एक शमा थी छोटी सी हमने कोशिश की आई होप कि जिन लोगों तक पहुँचे वो इस लोगों इस पॉडकास्ट को इस चीज़ को पॉजिटिव लें और इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दें